Hello friends, welcome to Neev IAS. I'm Dr. Isha and today we are starting quick revision capsule module for the upcoming UPPCS 2023 prelims exam, in which we'll discuss all possible important topics from different subjects in brief, and along with that we'll also discuss previous year questions from these topics. So we'll discuss one topic at a time, and the objective is to cover maximum important information from exam perspective and also to give you insight about how questions are framed in the real examination. तो दोस्तों आज हम बायो से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. वी आर बिगनिंग विद द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी, दैट इज सेल. तो सेल में से हर साल हर स्टेट एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. UPPCS में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में. एंड में विल गिव यू दोज क्वेश्चंस आल्सो, बट अभी के लिए लेट्स कवर अप विद द मेन पॉइंटर्स. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. ये एक वो यूनिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी या किसी भी एनिमल किसी भी प्लांट की पूरी बॉडी बनती है. तो उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल इज सेल, ओके. एंड ये टर्म किसने कॉइन की? रॉबर्ट हुक. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. एंड सेल की क्या टाइप्स होती हैं, पहले आप ये समझिए. यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में क्लासिफाइड है ये. यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? एक बात, बायो में कुछ भी आता है, कोई भी ऐसी टर्म आती है जो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, माइंड इट कि उसको हमेशा डिवाइड करके पढ़ो, तो उसका आंसर उसी की वर्डिंग के बीच में ही छिपा होता है. यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. तो यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, which contains a nucleus, and prokaryotic means which do not have nucleus but a nucleoid region is still present. इसमें true nucleus की form नहीं होती है, nucleus जैसा जिसको nucleoid बोलते हैं वो present होता है, ठीक है. तो prokaryotes हैं single celled organisms में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर. eukaryotic cell जो है that is in single celled और multicellular organisms में भी पाए जाते हैं. अब हम comparison कर लें इन दोनों का. प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया. और यूकैरियोट्स प्रोटिस्ट्स, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स. अब साइज जो है प्रोकैरियोट्स का छोटा रहता है, यूकैरियोट्स का बड़ा रहता है. टाइप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड रीजन, नो ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बता दिया. एंड यूकैरियोट्स मीन्स ट्रू न्यूक्लियस जिसमें डबल मेम्ब्रेन ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. डीएनए प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर, यूकैरियोट्स में लीनियर मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम्स जिन्हें बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल उस विद हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है. आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कपल्ड इन द साइटोप्लाज्म. आरएनए सिंथेसिस यूकैरियोट्स में इन द न्यूक्लियस एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है. इसमें कंबाइंड होता है साइटोप्लाज्म में भी, न्यूक्लियस नहीं होता इसीलिए. राइबोसोम्स 50S 30S टाइप्स के, यूकैरियोट्स में 60S 40S टाइप. सो इतना वैसे आपको नहीं पूछा जाएगा राइबोसोम्स की वेराइटी के बारे में भी, बट स्टिल द टेबल इज गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर वेरी फ्यू स्ट्रक्चर्स. यूकैरियोट्स में हाईली स्ट्रक्चर्ड एंडोमेम्ब्रेन्स के साथ ऑर्गेनेल्स मिलेंगी, साइटोस्केलेटन उनका प्रॉपर. सो बेसिकली द स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड हेयर. सेल मूवमेंट फ्लैजेला मेड ऑफ फ्लैजेलन के थ्रू, फ्लैजेला एंड सीलिया माइक्रोटिब्यूल्स के साथ, फिलोपोडिया कंटेनिंग एक्टिन. सो दिस इज द सेल मूवमेंट की किस मेथड से होता है या विच हेल्प्स इन सेल मूवमेंट, उनको क्या कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है, मोड ऑफ मूवमेंट. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, लेकिन यूकैरियोट्स में 1 to several thousand माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स इन एल्गी एंड प्लांट्स इट्स प्रेजेंट. ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले भी बताया सिंगल सेल्स, और यूकैरियोट्स में कॉलोनीज और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सेल डिवीजन बाइनरी फिजन, सिंपल डिवीजन, ठीक है, एक से बने दो, दैट्स बाइनरी फिजन. माइटोसिस इज ऑल्सो द सेम सिंपल डिवीजन, एक से बने दो. फिजन और बर्डिंग, बर्डिंग में आपको पता ही है बर्डिंग
एक से दूसरी तीसरी चौथी बर्ड निकल के ऐसे होता है. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यीस्ट की रिप्रोडक्शन है, ठीक है. एंड देन कम्स मियोसिस. मियोसिस इज रिडक्शनल डिविजन जो ह्यूमंस में होती है, ठीक है. दैट इज मियोसिस, जिसको रिडक्शनल डिविजन भी बोलते हैं, ठीक है. देन क्रोमोजोम्स, सिंगल क्रोमोजोम, और यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोजोम्स, ठीक है. पेयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन, ठीक है. प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम आप अच्छे से देख ले. अब सब मेन डिफरेंस जो सबसे पहला दिखाई दे रहा है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल के अराउंड एक सेल वॉल पूरी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर में. एनिमल सेल डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, ओके. अदरवाइज यू कैन सी द डिफरेंसेस. सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसकी पूरी ऑर्गेनलीज जो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे किसका क्या फंक्शन है, इसके आप सब कॉम्पोनेंट्स देख सकते हैं डायग्राम में. एनिमल सेल के भी सब कॉम्पोनेंट्स देख सकते हैं, ठीक है. अब इसका फंक्शन आपको नीचे बताया जाएगा. ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैव अ मेम्ब्रेन दैट एनवेल्प्स द सेल. सो मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, दैट रेगुलेट्स व्हाट मूव्स इन एंड आउट एंड मेंटेन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल. कुछ भी सेल से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता है ड्यू टू केमिकल ग्रेड, इलेक्ट्रिक केमिकल ग्रेडियंट की वजह से, तो उसकी मूवमेंट किसके आर पार होती है, एक सेल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमीएबल है. सिलेक्टिव परमीएबल मतलब कुछ सिलेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स ही मूव इन एंड आउट कर सकती है. द साइटोप्लाज्म टेक्स अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इनसाइड द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स विच लैक अ सेल न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑर्गेनेलीज टू अकोमोडेट मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन. ऑल सेल पोजेस डीएनए द हेरिडिटरी मटीरियल ऑफ जीन्स एंड आरएनए एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिल्ड वेरियस प्रोटीन्स सच एज एंजाइम्स द सेल्स प्राइमरी मशीनरी. तो हर सेल में न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज हैं अपना अपना काम करने के लिए, एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स इनमें नहीं है. रीज़न, क्योंकि इन्होंने अपनी मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करनी है फॉर द हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी. ऑर्गेनलीज क्या है, आर द पार्ट्स ऑफ सेल दैट आर अडेप्टेड और स्पेशलाइज फॉर कैरिंग आउट वन और मोर वाइटल फंक्शंस. तो सेल के फंक्शंस किसके थ्रू होते हैं, ऑर्गेनलीज के थ्रू, जिसके अंदर जो सब यूनिट हैं सेल्स जो हमने ऊपर डायग्राम में देखे हैं. तो कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, सेल वॉल. Many types of prokaryotic and eukaryotic cells have a cell wall. ठीक है, the outermost layer of the cell wall acts to protect the cell mechanically and chemically from its environment and is an additional layer of protection to the cell membrane. तो cell membrane को double protection मिली हुई है अगर cell wall है. Different type of cell have cell walls made up of different materials. Plant cell walls are primarily made up of cellulose. Fungi cells are made up of chitin and bacterial cell walls are made up of peptidoglycan. An animal cell lacks cell wall. So, यहाँ से आपको question frame देखो हो सकते हैं कि किस cell में कौन सी specialized kind of cell wall है, उसका structural material कौन सा है. Then comes the mitochondria, the most important organelle. क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है और इसीलिए इसे ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट अकर इन वेरियस नंबर्स शेप्स एंड साइजेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो रेस्पिरेशन अकर्स इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया जिसके थ्रू एटीपी प्रोडक्शन होती है. अब एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स. ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी. लाइक हमारी करेंसी क्या है, हमारे पैसों की करेंसी क्या है, रुपीस ना. सो एनर्जी की करेंसी जो है दैट इज एटीपी. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन लाइक प्रोकैरियोट्स. माइटोकॉन्ड्रिया डू हैव देयर ओन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सेल के पास अपना तो न्यूक्लियस, अपना डीएनए तो है ही है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, द ओनली ऑर्गेनेल विच हैज इट्स ओन डीएनए. ओके, इसी में रेस्पिरेशन भी होता है. ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल. ठीक है, फिर इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर.
इसकी दो फॉर्म्स हैं, रफ ईआर, ठीक है, जिसे आर ई आर बोलते हैं, एंड एस ई आर, स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, स्मूद में, रफ में प्रेजेंट होते हैं। आर से राइबोसोम, आर से रफ, तो आप याद रख सकते हैं। अब राइबोसोम का क्या काम है? इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दे ईच कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट एंड एक्ट एज एन असेंबली लाइन वेयर आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, तो दैट इज, इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स। राइबोसोम्स कैन बी फाउंड ईदर फ्लोटिंग फ्रीली और बाउंड टू अ मेम्ब्रेन, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोट्स, और द सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। ठीक है, गॉल्गी एपरेटस, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉल्गी एपरेटस इज टू प्रोसेस एंड पैकेज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल। ठीक है, सो दैट helps to process और उसे pack करके store करके रखना। Then comes lysosomes, also called suicidal bags of the cell. अब lysosome क्या है कि इनको suicidal bags बोला जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें digestive enzymes होती हैं, ठीक है, acid hydrolysis, तो क्या करते हैं ये, वो release करते हैं, ठीक है, और digest करते हैं कोई भी पुरानी worn out organelle है, waste है, ठीक है, कुछ भी engulf किया हुआ, कुछ भी waste स्ट्रक्चर अगर इनमें पाया जाता है, तो दे रिलीज द एंजाइम एंड डाइजेस्ट दैट ऑर्गेनली, तो दैट इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और कई बार ये सेल के सेल को ही एंजाइम रिलीज करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ सुसाइड। ठीक है, तो इसी वजह से लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। ठीक है, देन कम्स सेंट्रोसोम, ठीक है, प्रोड्यूसेस द माइक्रो ट्यूब्यूल्स ऑफ द सेल, अ की कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, इट डायरेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट थ्रू ईआर एंड गॉल्गी एपरेटस। सेंट्रोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स विच लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील विच सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। अ सिंगल सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स, दे आर फाउंड इन सम फंजाई एंड एलगी सेल्स। तो सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रियोल्स होती हैं, परपेंडिकुलर आ जाती हैं, इनसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे कि सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, इससे स्पिंडल बनते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स बोलते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। ठीक है, अब आपको सेल डिवीजन बहुत अंदर नहीं जाना, दैट इज़ अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, आप इतना याद रखेंगे तो काफ़ी है। देन कम्स विक्यूल्स, विक्यूल्स क्या होती हैं, इसमें स्टोर वाटर रहता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये टोनिसिटी जो सेल की है वो स्ट्रक्चर वो मेंटेन रखते हैं। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज लिक्विड फिल्ड स्पेसेस एंड आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। विक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाय अ टोनोप्लास्ट which helps in transport of ions and other substances against concentration gradients. Then comes plastids. Plastids are membrane-bound organelles generally found in plant cells and eugenoids and contain specific pigments thus affecting the color of plant and organism. So, हम देखते हैं different different plants के different different colors होते हैं, different different vegetables के different colors होते हैं, तो ये किस किस कारण होती हैं? So, plastids are the reason for these pigments. ओके, सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक पिगमेंट्स। जिस तरह के पिगमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, एंड सम कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स विच हेल्प इन द टैपिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोफिल बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, और पिगमेंट्स जिसके कारण लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप हो सके प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके, तो इसकी इसीलिए इसको क्या होते हैं, किचन ऑफ द सेल, क्यों, यहीं पे खाना बन रहा है सेल का। देन कम्स क्रोमोप्लास्ट, कंटेन्स फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक ऑरेंज कैरोटीन एंड येलो जेंथोफिल्स विच हेल्प इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज। ठीक है, लाइकोपीन, रेड कलर इन टोमेटो, कैरोटीन येलो और रेड इन कैरेट, बिटन इन फाउंड इन शुगर बीट। Then comes leucoplasts. These are non-pigmented plastids and help in storage of nutrients. And then comes the last, the most important, nucleus. So, cell ka information center kya hai? Nucleus. Okay.
Nucleus is the most conspicuous organelle found in a eukaryotic cell. It houses cell's genetic material, which is called chromatin, composed of thread-like structures like chromosomes. तो न्यूक्लियस है हमारा मेन जो है सेल का जो मास्टर है, कंट्रोल ब्रेन ऑफ द सेल कह लो आप, ठीक है, जहाँ से डिफ्यूजन होती है वो कह लो आप. इसमें क्या होता है, सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल इट्स जस्ट लाइक जो वूल, ऊन का गोला होता है, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है. इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है. तो ये एक ऊन के गोले की तरह पड़ा होता है. इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है. तो क्रोमोजोम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है हमारा. तो क्रोमोजोम कनेक्टन पेयर्स, ठीक है. अब जैसे ह्यूमंस हैं, कितने पेयर्स हैं हमारे पास, 23, ठीक है. तो क्रोमोजोम्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है. और न्यूक्लियस इज अ प्लेस वेयर ऑलमोस्ट ऑल डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए सिंथेसिस, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यहीं होता है. तो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, ठीक है. इसके बाद एक और कंसेप्ट है सेल एंड ग्रेडियंट का. ये भी वैसे केमिस्ट्री में कह लो या बायो में कह लो आता है, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इफ यू आर कवरिंग सेल. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें इतना भी पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. तो मैं आपको इन एडिशन ये भी बता देती हूँ, दो पॉइंट्स ही हैं. अगर हम सेल को किसी भी सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन इन विच द सेल लाइज. फॉर एग्जाम्पल, हम किशमिश को पानी में भिगोते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्वेल हो जाती है, ठीक है. तो किस तरह का बाहर का ग्रेडियंट है, जो केमिकल ग्रेडियंट है, कि किस तरीके वो सेल जो है वो श्रिंक करेगा या वो स्वेल करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडियंट, ठीक है. अ सेल इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज अ नेट मूवमेंट फॉर वाटर फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन इन द बॉडी. अ सेल दैट इज प्लेस्ड इन टू अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन शैल सीम टू स्वेल. तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमेशा सेल स्वेल करेगा. इसको कहते हैं प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखो वाटर कंसनट्रेशन क्या है, ठीक है, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बाहर हाइपो है, हाइपो बाहर है, इसका मतलब सॉल्यूट जो है वो कम है, लेकिन वाटर ग्रेडियंट जो है वो बाहर ज़्यादा है. तो वाटर हायर टू लोअर मूव करेगा, ठीक है, दैट इज़ नोन एज एंडो ऑस्मोसिस. और क्या सेल क्या करेगा, स्वेल, ठीक है. और इसके उल्टा होगा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में, ठीक है. द सेल विल टेक ऑन अ रिंकल्ड और श्रिवल्ड अपियरेंस. क्या है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, मोर सॉल्यूट्स देन द इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट. सो वाटर विल लीव द सेल एंड ट्राई टू अचीव इक्विलिब्रियम. द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है. तो यहाँ भी याद रखिए, हाइपर में वो क्या होगा, श्रिंक होगा, ठीक है. कैसे याद रखेंगे, अगर कोई भी इंसान को बोलना है भाई हाइपर में तो सूख जाएगा तू, ठीक है, तो हाइपर में इट विल श्रिंक एंड हाइपो में इट विल स्वेल, ठीक है. सो दिस इज ऑल आई थिंक वी नीड टू कवर इन द सेल. तो हमने सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ब्रीफ में ही रहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारा क्विक रिविजन कैप्सूल है. और अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. विच ऑर्गेनली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए. तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड माइटोकॉन्ड्रिया. हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल. किस वजह से प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट है, मैंने आपको सबसे पहले बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सेल वॉल, ठीक है. इसके बाद लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. देखिए ह्यूमन एनाटॉमी हम कवर करेंगे, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी में कवर करेंगे, लेकिन इसमें सेल में भी कई बार इसको डाल दिया जाता है, कई मतलब सोर्सेज के अकॉर्डिंग. तो इट्स फाइन, यहाँ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बट या आई विल गिव यू एंड एक्सप्लेन यू इन द टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी विच विल कवर ऑन इन आर लेटर मॉड्यूल, स्प्लीन, ओके. वन टर्म दैट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम्स इन आ सिस्टम. सो बेसिकली टर्म पूछी गई है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन हो, ठीक है. अब एटीपी क्या था, एनर्जी. डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल, लास्ट रेस्पिरेटरी सीरीज, वाटर डिकम्पोजिशन. तो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म, एक साइकिल, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये या आपको याद रखना पड़ेगा.
द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज, अब ये जेनेटिक्स का पार्ट है, मैंने इसके इसको उसके लिए सेव करके रखा हुआ है। चलो यहाँ पे भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन इज द रीज़न कि हम सब अलग अलग हैं, ठीक है। कोई भी इंसान, रेप्लिकेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका आंसर है म्यूटेशन। आई विल एक्सप्लेन यू इन द टॉपिक जेनेटिक्स, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक यही रहेगा। विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, तो इसकी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस, आई हैव टोल्ड यू 23 पेयर्स, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 23 × 2, दैट्स 46, तो आंसर इज बी। द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं, ओके। कभी भी इन केस ऑफ क्राइसिस द सेल डाइज, दैट्स द एपोप्टोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 6 क्रोमोसोम, दैट इज आंसर इज लिजार्ड। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं, 10 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ऑल द इम्पॉर्टेंट वन अबाउट द सेल वी हैव कवर्ड। एंड so you can get the PDF of this video by subscribing to our Telegram channel, that is neev_ias, that's our Telegram channel, and also like and subscribe our YouTube channel if you really like the content we have shared with you. I hope you have liked it. So that's all for now, and I'll meet you in our second module, which will covering up the most important topic for bio, genetics. We'll cover that in our second module. So I'll see you and meet you. Thank you so much, and please like and share our Telegram channel. Thank you. Have a good day.